हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी लड़की के लिए, वो होता है उसका पीरियड्स। पीरियड्स में ब्लड का फ्लो बिल्कुल सही है, टाइम से आते हैं, साइकिल फिक्स है, जितने दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए उतने दिन हो रही है, कलर उसका पीरियड का ठीक है, तो 80% चांस है कि आप आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। 20% में कई बार होता है कि पार्टनर के स्पर्म ठीक नहीं है, या फिर आपको ओव्यूलेशन टाइम नहीं पता है, या फिर अचानक से कोई आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, थायराइड वगैरह पीसीओडी, तब तो हो सकता है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। अदरवाइज़ अगर पीरियड्स ठीक हैं आपके, तो 80% ऐसा होता है कि आप आसानी से कंसीव कर सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम पीरियड्स में ही है, ब्लीडिंग सही से नहीं आ रही, कलर सही नहीं है, जो जितनी ब्लीडिंग आनी चाहिए, जितना फ्लो होना चाहिए वो नहीं है, जितने दिन आनी चाहिए वो टाइमिंग सही नहीं है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव करना भी प्रॉब्लम होता है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो हर महीने पीरियड्स आते हैं। हर महीने पीरियड्स आते हैं ये सफिशिएंट नहीं है। वो पीरियड्स आते कैसे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, ब्लीडिंग कैसी हो रही है, किस टाइप की ब्लीडिंग हो रही है, फ्लो कितना है, कितने दिन आ रहा है, ये एक्चुअली मैटर करता है। तो आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अपनी ब्लीडिंग को देख के आप कैसे समझ सकते हैं कि आप आसानी से गर्भधारण कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या आपको कुछ और आगे सोचना चाहिए अपने पीरियड्स को, ब्लीडिंग को सही करने के लिए। वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे, क्योंकि पीरियड्स हम महिलाओं के जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा है जो आधी उम्र तक हमारे साथ रहता है। अगर ये सही है तो हमारी आधी परेशानी जो शरीर की है वो ठीक हो रहती हैं, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होती अगर पीरियड्स सही होते। बट अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती तो हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। चलिए बताते हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। पीरियड्स की ब्लीडिंग कैसी होनी चाहिए, तो पीरियड्स की ब्लीडिंग का जो कलर है वो ब्राइट रेड होना चाहिए। जैसे आप ये मेरे कुर्ते का कलर देख रहे हैं, ब्राइट रेड है, बस ऐसा ही कलर होना चाहिए आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग का, बिल्कुल ब्राइट रेड, खिलता हुआ रेड, क्योंकि यही कलर बताता है कि आपकी पीरियड्स जो हैं कितने सही हैं कितने नहीं हैं, आपके पीरियड्स हेल्दी हैं। अगर ऐसे कलर का पीरियड्स आपको आ रहा है, ब्राइट चमकीले रेड कलर का, तब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पीरियड्स बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस तरह की ब्लीडिंग नहीं होती है, उनको ब्राउन टाइप की ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग के साथ भी ब्लीडिंग होती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, और पूरे टाइम इसी टाइप का रहता है, मतलब उनकी ब्लीडिंग जो है वो फ्लो में नहीं होती। शुरुआत आपके ब्राउन डिस्चार्ज के साथ हो रही है, इट्स ओके, बट अगर ब्लीडिंग आपकी जितने दिन रही है उतने दिन भी रेड नहीं हुई, वो उसी ब्राउन से शुरू हुई, उसी से ख़त्म हो गई, थोड़े बहुत स्पॉट्स आए, ठीक से ब्लीडिंग नहीं हुई, फ्लो में नहीं हुई, आधा दिन, एक दिन हुआ, एक ही पैड में सारा काम हो गया आपका, तो अगर इस टाइप की ब्लीडिंग अगर पीरियड्स में आपको आती है तो ये फिर प्रॉब्लम वाली बात होती है, फिर ये हेल्दी पीरियड्स की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर पीरियड्स आपके दो दिन तीन दिन आते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें दो ही दिन पीरियड्स आते हैं तो क्या हम कंसीव कर पाएंगे। अगर दो दिन आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो ब्लीडिंग ठीक से नहीं हो रही है, फ्लो के साथ नहीं हो रही है, थोड़े बहुत आ रहे हैं, धब्बे टाइप के लग रहे हैं, स्पॉटिंग टाइप की हो रही है, थोड़े बहुत क्लॉट्स आ जा रहे हैं, और इसी के साथ वो बंद हो जा रही है, तो ऐसे में आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि ठीक से आपका ओव्यूलेशन भी ना हो ऐसे पीरियड्स में। अगर आपको सिर्फ पिंक स्पॉट्स आते हैं, सिर्फ ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स आते हैं, क्लॉट्स आते हैं, तो भी ये भी समस्या होती है, ये भी बताता है कि आपके पीरियड्स हेल्दी नहीं हैं। तो पीरियड्स में फ़्लो का सही होना, दो दिन आ रहा है नो प्रॉब्लम, लेकिन वो फ्लो के साथ आ रहा है, डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, तो ये जो पीरियड्स होते हैं ये हेल्दी पीरियड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब कारण क्या होता है कि क्यों ऐसे पीरियड्स आते हैं? कई बार लोगों के पीरियड्स रेगुलर होते होते अचानक से इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब अभी तक सही आ रहे थे, अचानक से डिस्टर्ब हो गए हैं। तो कुछ खास कारण होते हैं जो मैं आपको बता दूं। पहला कारण होता है कि अचानक से आपने वेट गेन कर लिया, आपका हेल्दी वेट चला आ रहा था, 55 के थे, 60 किलो के थे, फिर अचानक वेट गेन कर लिया है बहुत ज़्यादा किसी कारण से, या स्ट्रेस ले लिया है बहुत ज़्यादा, या अननेसेसरी फूड आपने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खा लिया है, जो भी रीज़न हो आपने बहुत अचानक से वेट गेन कर लिया है, ये पहला कारण होता है पीरियड्स के बिगड़ जाने का। क्या आपके पीरियड्स सही थे, क्योंकि आपकी जो आपका वज़न था वो बिल्कुल बैलेंस था, लेकिन अब आपका वेट गेन हो गया है, तो इस वजह से भी कई बार पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, उनकी डेट आगे पीछे हो जाती है।
दूसरा कारण इसी में होता है कि अगर आपका अचानक से बहुत ज़्यादा वजन गिर गया है, कि आप हेल्दी थे, आप 65 किलो के 60 किलो के थे, अचानक से आप 55 और 50 पे आ गए हैं, तो ये भी एक कारण होता है कि पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आगे या पीछे हो जाती है उनकी डेट। तीसरा कारण होता है कि आपका सोना जगना, आपकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, टाइम से सो नहीं पाते, टाइम से जग नहीं पाते, ये जो आराम नहीं कर पाते, अच्छी हेल्दी डाइट नहीं ले पाते, तो ये जो कारण होते हैं इनकी वजह से भी पीरियड्स का सीधा सीधा पीरियड्स पे असर पड़ता है। चौथा जो फैक्टर होता है कि शादी से पहले आपके पीरियड्स रेगुलर थे, अभी आपकी शादी हो गई है और शादी के बाद से 3-4 महीने ऐसे हो गए हैं कि पहले 28 दिन की साइकिल थी, 25 दिन की साइकिल थी, अब साइकिल वो 35 दिन की हो गई है, 40 दिन की हो गई है। तो ये बहुत कॉमन है कि शादी के बाद पीरियड्स जो हैं वो डिले हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब दो कपल्स आपस में मिलते हैं, उनका रिलेशन बनता है, तो बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से कई बार पीरियड्स जो है वो डिले होता है। ये अक्सर लड़कियों के साथ होता है, ये बहुत कॉमन है, लेकिन ये थोड़े समय बाद, 2-3 महीने बाद ये अपने आप नॉर्मल भी हो जाता है। हो सकता है 6-7 महीने का समय आपको लग जाए, लेकिन ये धीरे धीरे फिर नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको इरेगुलर हो गए कि 2-2 महीने आ ही नहीं रहे हैं, शादी के बाद ऐसी कंडीशन हो गई है, तो ये नॉर्मल नहीं है, फिर ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, फिर ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पांचवा जो रीज़न होता है कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक आप बिल्कुल ठीक थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपने बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा जॉगिंग, वॉकिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया आपने। अगर इस टाइप की भी चीज़ें आपने शुरू कर दी है, तो भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएँ, मतलब डेट आगे हो जाए, पीछे हो जाए, कभी ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाए, कभी ब्लड का फ्लो कम हो जाए। एक रीज़न और होता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे थे और अभी आपने उसको बंद कर दिया है, पहले आप ले रहे थे क्योंकि आपको प्रेग्नेंट नहीं होना था, फिर आपने उसको बंद कर दिया है, तो अब आपने बंद कर दिया है तो हार्मोन जो है बहुत तेज़ी से बदलने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को टारगेट करती हैं, LH हार्मोन जिसे, जो कि ओवल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो आपका ओवल्यूशन प्रोसेस जो है वो डिले होना शुरू हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। एक्चुअली वो उसी को इफेक्ट करता है और पीरियड्स पे भी असर डालता है। तो जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना बंद कर देते हैं तो हार्मोन चेंजेस और तेज़ी से शुरू हो जाते हैं, इस वजह से भी कई बार पीरियड्स जो हैं वो समय से नहीं आते हैं, वो तो या तो आगे हो जाते हैं या तो पीछे हो जाते हैं, काफ़ी लंबे साइकिल हो जाती है पीरियड की। तो ये 6 कारण होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स जो हैं वो टाइम से नहीं आते हैं, डिले हो जाते हैं। पहले लोग कहते हैं कि हमारे सही आते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया, तो आप क्या कारण अपना मैच कर सकते हैं। पर अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इसको ठीक करने का यही तरीका है कि पहले तो जो 6 कारण मैंने बताए हैं, इनमें से जो भी आपके साथ मैच हो रहा है उसको ठीक कर लीजिए। वो ठीक करने के बाद आपको कई ऐसी आयुर्वेदिक सीरप होती हैं जिससे कि पीरियड्स प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, जैसे कि असुकरिष्ट सीरप है, सच्ची सहेली सीरप है, हिमालया इविकेयर की सीरप है फोर्ट, इससे पीरियड्स प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इन्हें लगातार 3 महीने तक लेना होता है, डेली दोनों टाइम खाने के बाद, एक बार ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार आफ्टर डिनर, तो इससे काफ़ी हद तक पीरियड्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी करिए, चाहे आप वॉक कर सकते हैं, हल्की हल्के योगा आसन कर सकते हैं। अपनी डाइट का बेहद अच्छे से खास ख्याल रखिए, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लीजिए, 8 घंटे की नींद मस्ट है, 8 घंटे की नींद लीजिए, 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीजिए डेली, इसमें बिल्कुल भी आलस मत करिएगा। और इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपके जो पीरियड्स हैं जो बिगड़ गए हैं, इम्बैलेंस हो गए हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे। क्योंकि पीरियड्स बिगड़ते हैं तो ये सांस में इंडिकेशन भी देते हैं कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी शुरू होने वाला है। तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो उससे पहले ही अगर आप अपने पीरियड्स को ठीक कर लेते हैं ये सारी एक्टिविटी करके, तो कुछ और प्रॉब्लम फिर आपके शरीर में नहीं हो पाएगी। अदरवाइज़ आप ज़्यादा तनाव लेते हैं, नींद कम लेते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, तो इसकी वजह से आपको थायराइड भी हो सकता है, प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से आपको PCOD PCOS भी हो सकता है, जिसके लिए फिर आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो इसलिए इन शॉर्ट में अगर आप ये थोड़े से उपाय करके अपने पीरियड्स को ठीक कर लेते हैं तो बाकी की समस्या से आप बच जाएंगे और जल्दी से जल्दी गर्भधारण भी कर पाएंगे। तो ये था खास वीडियो हमारी उन बहनों के लिए जिन्हें पीरियड्स की प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर पाएंगे।
चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।